सक्सेस की नाइटेड में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। तो चलिए जो जो नए जुड़ा है चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जो कि है सक्सेस स्पेस देकर E98, और आपको PDF मिल जाएंगे सारे। कहाँ तो आपको मिलेंगे www.successkey98.in पर, तो आप वहाँ से जाके सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, तो आप कहाँ दीजिएगा, तो आप दीजिएगा estore.ibpsguide.com पर जाकर आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट कंटेंट है और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप एग्जाम से पहले इसे देकर जाएं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देता हूँ क्विज। 40 प्रश्न है जैसा कि आपको पता है और 4:30 बजे हैं और क्विज शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? आपके ऑप्शन है A 4, B 5, C 2 या D 3। बताइएगा इसका उत्तर। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है A 4, जी हाँ 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिशर्स, कैनिनंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो जिन्होंने उत्तर दिया है A 4, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। एसिनोनिक्स जुबेटूस किसका वैज्ञानिक नाम है निम्नलिखित में से? ए भालू, बी घोड़ा, सी चीता या डी ज़ेब्रा। उत्तर दीजिएगा इसका। एसिनोनिक्स जुबेटूस किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है? जिन्होंने उत्तर दिया है सी चीता, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक है? ए एल्यूमिनियम, बी गंधक सल्फर, सी मैग्नीशियम या डी सोडियम। तो सिलिकॉन का कितना होता है, तो सिलिकॉन का होता है 14। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। गंधक का कितना होता है 16। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 और सोडियम का कितना होता है 11। तो किसका ज़्यादा हुआ, गंधक का, तो गंधक बी सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। डेकिन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? आपके ऑप्शन है A 22, B 33, C 11 या D 44। बताइएगा इसका उत्तर। डेकिन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो डेकिन का फार्मूला क्या होता है, C10H22। कार्बन के 10 और हाइड्रोजन के 22 परमाणु होते हैं, तो ए सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। वायु का अधिकतम अनुपात किस अक्रिय गैस में है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी आर्गन या डी कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइएगा इसका उत्तर। हमेशा जब प्रश्न आप पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इनर्ट गैस, और दिए हुए ऑप्शन में इनर्ट गैस कौन सा है, तो आर्गन है, और आर्गन की जो मात्रा है हवा में वो है 0.93%। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? ए यूरोक्रोम, बी यूरोफिल, सी क्लोरोफिल या डी क्लोरोप्लास्ट। बताइएगा इसका उत्तर। तो काफी बार करा हुआ प्रश्न है, तो जिन्होंने उत्तर दिया ए यूरोक्रोम, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी का कारण होता है? ए गाठिया, बी पसीओरकर, सी घेघा या डी रतौंधी। बताइएगा इसका उत्तर। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी का कारण बन सकती है? जिन्होंने उत्तर दिया है ए पसीओरकर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। सातवां प्रश्न ए रहा, आठवां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा। एक परमाणु ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? ए परमाणु त्वरण, बी एक्सरे का उत्पादन के लिए, बी परमाणु विखंडन को आयोजित करने के लिए या डी थर्मोन्यूक्लियर संलयन का संचालन करने के लिए। बताएगा इसका उत्तर। एन एटमिक पाई किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन को आयोजित करने के लिए, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है।
अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वायु विज्ञान, बी एरोथियोलॉजी, बी एरोडायनेमिक्स या डी एरोबायोलॉजी। वायु विज्ञान, एरोलिथोलॉजी, वायु गतिकी, वायु जीव विज्ञान। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए एरोलॉजी। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। दसवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा, यूक्रियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आपके ऑप्शन है ए फॉस्फोलिपिड, बी लिपोप्रोटीन, सी फॉस्फोलिपोप्रोटीन या डी फॉस्फोप्रोटीन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है फॉस्फोलिपिड। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका, डीऑक्सीरिबोनस न्यूक्लिक एसिड डीएनए किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? आपके ऑप्शन है ए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, बी डब्ल्यू एच पार्किन, सी जोसेफ हेनरी या डी विलियम कैनली। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, बारहवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, मेड्यूला ऑब्लॉगाटा निम्नलिखित में से किससे एक हिस्सा है? ए दिल, बी मस्तिष्क, सी फेफड़े या डी पेट। बहुत बार का करा हुआ प्रश्न है, तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी मस्तिष्क। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, तेरहवा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अरिस्तु, एरिस्टो, बी रोनल्ड फिशल, सी हिपोक्रेट्स या डी रे टॉमलिंसन। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी, जी हाँ सर, रोनल्ड फिशर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चौदहवा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, निम्न में से क्या आमतौर पर एक कोशिका वाली प्रजनन इकाई है जो किसी नए विशिष्ट के यौन संलयन के बिना उत्पन्न होने में सक्षम है? आपके ऑप्शन है ए अंडा, बी बीजाणु, सी शुक्राणु या डी बीज। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी बीजाणु। जी हाँ, स्पो सही उत्तर है आपका। पंद्रहवा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, इससे पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन न मिले तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर K98। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जो बस कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। अगला प्रश्न, पंद्रहवा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों की खराबता से संबंधित रोग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, लंग मालफिशन नहीं है। ए दमा, बी रक्तलता, ताल्पता, सी निमोनिया या डी प्लूरिसी। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एनीमिया। जी हाँ, रक्ताल्पता सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, सोलहवा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है एंटनी वैन लियोनहॉक, बी बेलारूस, सी ह्यूगो डे वर्सिस या डी रॉबर्ट ब्राउन। बताएगा इसका उत्तर। एंटोनी वैन ल्यूकहॉक, बेलारूस, ह्यूगो डे वर्सिस या रॉबर्ट ब्राउन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए एंटोनी वैन ल्यूकहॉक। आपका उत्तर एकदम सही है। सत्रहवां प्रश्न, उसका उत्तर दीजिएगा, भारत में स्वर्ण क्रांति के साथ जुड़ा हुआ कौन सा है निम्नलिखित में से? ए मछली उत्पादन, बी बागवानी विकास, सी जूट उत्पादन या डी चर्म उत्पाद। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी हॉर्टिकल्चर। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, अठारहवा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आपके ऑप्शन है ए मृदा संरक्षण के बिना पौधा, बी निरोपण पौधा, सी सब्जियों का अध्ययन या डी मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए मृदा संरक्षण के बिना पौधा, सही उत्तर है आपका। उन्नीसवा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है किसका? ए एनिलीन, बी टोलिन, सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड या डी क्लोरोबेंजीन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, बीसवा प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, पायरोलुशाइट किसका एक अयस्क खनिज है? आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी मैग्नीज, सी मरकरी या डी टीन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी मैग्नीज। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा, एक्स रोफ्थाल्मेलिया निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन बी3, बी विटामिन बी12,
सी विटामिन ए या डी विटामिन सी। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी विटामिन ए, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। एरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए इवांगेलिस्ता तोरेसिली, बी चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी एडवर्ड टेलर या डी गुस्तव चौचिक। बताएगा इसका उत्तर। एरिथमोमीटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है चार्ल्स जेवियर थॉमस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। अचानक शीतलन की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए एनीलिंग, बी डिफ्यूजन प्रसार, सी शमन या डी औषादन। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी शमन, जी हाँ क्वेंचिंग सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ओकोजिन से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है ए पोलियो, बी कैंसर, सी अतिसार या डी डेंगू। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कैंसर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है आज का 25वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। कम से कम तीक्ष्ण बिजली किरण कौन सी है? ए अल्फा रे, बी एक्स रे, सी गामा रे या डी बीटा रे। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए अल्फा रे, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। लिस्ट पेनेट्रिंग पावर रे है अल्फा रे। 26वां प्रश्न ए रहा है इसका उत्तर दीजिएगा। जीव के पर्यावरण का एक जीवित भाग के रूप में जाना जाता है, उसका नाम क्या है? ए ए बायोटिक फैक्टर, बी आवास, सी बायोटिक फैक्टर या डी नॉन लिविंग फैक्टर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी बायोटिक फैक्टर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आने वाला है 27वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। क्रोमाइट किसका एक अयस्क खनिज है? आपके ऑप्शन है ए जिंक, बी यूरेनियम, सी क्रोमियम या डी टाइटेनियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी क्रोमियम, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक बार फिर सभी से आग्रह करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशंस लेने की क्षमता नहीं है और ए बस इंटरनेट के साधन की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आने वाला है 28वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए निक होलोनिक, बी एली हावे, सी चक हल या डी क्रिश्चियन ह्यूजेंस। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी चक हॉल, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। प्रतिबाधा की इकाई है कौन सी? ए ओम, बी हेनरी, सी टेस्ला या डी हर्ज। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए ओम, जी हाँ ओम है इम्पिंडेंस की इकाई। 30वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। 4 बीट्स का समूह क्या बनाता है? ए एक बाइट, बी एक निबल, सी एक गीगाबाइट या डी टेराबाइट। बताएगा इसका उत्तर। ग्रुप ऑफ 4 बीट्स फॉर्म्स अ बाइट, निबल, गीगाबाइट या टेराबाइट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी निबल, जी हाँ 4 बीट्स के एक निबल होते हैं और 8 बिट्स के एक बाइट। तो अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। बेरोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लुसिन विधि, बी जॉन वेन, सी थियोफिलस वॉन कनल या डी लुइस उरी। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ए लुसिन विधि, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या है? निम्नलिखित में से ए इंसुलिन की अधिकता, बी इंसुलिन का कम उत्पादन, बी सी जिगर की खराबी या डी बिलिरुबिन का उच्च उत्पादन। बताएगा इसका उत्तर। डायबिटीज का कारण क्या है मधुमेह का? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी इंसुलिन का कम उत्पादन, आपका उत्तर एकदम सही है। 33वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। टेक्टोना ग्रैंडिस लीन किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका ऑप्शन है ए अमरूद, बी सागौन, सी आमला या डी चीकू। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी टीक सागौन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। बेकिंग पाउडर क्या है? ए एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम आइसोलेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट या डी एल्युमिनियम सल्फेट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सी सोडियम बाइकार्बोनेट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या एक मजबूत दवा है जो डॉक्टरों को लोगों को शांत करने और उनकी नींद में मदद करने के लिए देते हैं? ए बेरसुरेट, बी एंटीडिप्रेसेंट,
सी एंटीस्टामिन या डी बेटा ब्लॉकर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी एंटी डिप्रेसेंट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 3600 प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा ऑटोकॉर्पस इंटेग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? ए अमरूद, बी अनानास, सी सिल्वर ओक या डी जैक फल, बताएगा इसका उत्तर। ऑटोकॉर्पस इंटेग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी जैक फ्रूट, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 3700 प्रश्न आने वाला है, उत्तर दीजिएगा इसका। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम SEO का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए सिस्टम इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सी स्ट्रक्चर्ड इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डी सिंगल इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा बम्बूसा डेंड्रोकुलमस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपका ऑप्शन है ए बरगद, बी पपीता, सी बांस या डी अनार। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ऊपर बम्बूसा और नीचे है बम्बूज, जी हाँ बांस सही उत्तर है आपका। 39वां प्रश्न और एक प्रश्न इसके बाद बचा है, उत्तर दीजिएगा इसका। प्रोग्रामिंग भाषा जावा स्क्रिप्ट का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए ब्रेंडन इंच, बी विलियम एंथोवेन, सी जॉर्ज ईस्टमैन या डी एमिल आलमियम। तो जिन्होंने उत्तर दिया ए ब्रेंडन इंच, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, आशा करता हूं इसका भी उत्तर मुझे सही मिलेगा पूरा का पूरा। दाद एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? आपका ऑप्शन है ए कवक, बी जीवाणु, सी वायरस या डी मक्खियां। बहुत ही आसान प्रश्न है और जिन्होंने उत्तर दिया है ए कवक, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा ताकि उन भाई बंधुओं को मिले जब कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलता हूँ ठीक शाम को 4:30 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का ख्याल रखिएगा, व्यर्थ की बातों में न पड़े और जितने अफवाहें अभी फैल रही हैं उनसे बचें, अपने आप को धर्म जाति के नाम पर बटने न दें। जय हिंद।